कॉन्ग्रेचुलेशन की भी ट्रेलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. थैंक यू. और आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके का किरदार प्ले कर रही है फिल्म के अंदर, उसके बारे में. तो जो मेरा कैरेक्टर है शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ताकि वो स्टोरी फॉरवर्ड मूव करे. एंड वो उसमें यू नो ये ड्यूअलिटी है कि वो स्ट्रांग भी है, वीक भी है, कंफ्यूज भी है, लेकिन उसको पता है उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए. तो वो कहती तो है कि वो विडो है, लेकिन अगर वो एक्चुअली है नहीं है हमको पता नहीं. सो वी ओनली फाइंड दैट आउट एज द फिल्म मूव्स अलॉन्ग. एंड आई थिंक जो सारे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं तो ट्रेलर आपको बता देता है, लेकिन सबका क्या मोटिव है और उनको क्या चाहिए और वो ये सब क्यों कर रहे हैं, दैट बिकॉज सस्पेंस है, थ्रिल है, वो जैसे जैसे यू वॉच द फिल्म इट पूरा अनफोल्ड होता है. ट्रेलर में जो आपका लुक दिखाया गया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन की इस कैरेक्टर को निभाने के लिए? आई थिंक पीरियड मूवी है तो इसलिए यू नो उनका अलग बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो पेस था लाइफ का वो भी थोड़ा धीरे था यू नो. तो प्रेपरेशन वही थी कि आप मैंने पुरानी मूवीज मैंने एक्चुअली काफ़ी देखी हैं, तो बस वो ही इम्बाइब करने की कोशिश की. लैंग्वेज ऑफ कोर्स, क्योंकि डायलेक्ट बुंदेलखंडी का है तो उसकी तो बहुत ही मुझे मैंने क्लासेस ली. इसके अलावा नवदीप सिंह के साथ उनको एक्चुअली वो आई मीन ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बिकॉज वो हिस्ट्री स्टूडेंट है, हिस्ट्री बफ है, उन्होंने इतना रिसर्च किया था कि कुछ ही हमको सब कुछ पता था, लाइक देयर वाज नो कंफ्यूजन, ही वाज वी वर सो वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ हिम. जैसे कि फिल्म में सैफ अली खान के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा भी है और आप भी हैं, तो शूट के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को, कुछ ऐसा? ये पूरी फिल्म यू नो ऐसे था कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी एडवेंचर पे थे, क्योंकि इस फिल्म की आई थिंक पूरी शूटिंग आउटडोर्स में हुई एंड बहुत टफ कंडीशंस में हुई यू नो. बहुत ही ठंड थी, फिर बहुत ही गर्मी थी एंड सब लोग आई थिंक उनकी जो सभी की जो पर्सनैलिटीज थी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से यू नो जेल किया हमने. एंड इट वॉज रियली नाइस बिकॉज आई थिंक फिल्म आई मीन ऑन द सेट तो एवरीबडी गेट्स अलॉन्ग विद ईच अदर एंड यू ट्राई एंड एटलीस्ट मेक फ्रेंड्स, बट वेरी फ्यू टाइम्स यू एक्चुअली जस्ट adore each other so much. That was fun. That was fun. So, जब approach किया गया था इस film को, तो क्या सोच के आपने इस project के लिए हाँ बोला, क्या आपको सबसे ज़्यादा? मेरी हाँ तो शुरू में हो गई थी because मैंने मुकेश छाबरा ने मुझे audition के लिए बुलाया and मैंने proper like 2-3 महीने audition किया इस film के लिए. तो एंड मुझे फिल्म के बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ पता था कि नवदीप सिंह बना रहे हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम. तो देन धीरे धीरे जैसे यू नो ऑडिशंस के स्टेजेस क्रॉस हुए, मुझे थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यू नो वो देते थे, तो इट वॉज जस्ट वन यू नो अमेजिंग थिंग आफ्टर अनदर. क्या इस प्रोजेक्ट में ना द वेदर कंडीशंस वर सो डाइवर्स. हम लोगों ने जब जनवरी में शूटिंग शुरू की तो बहुत ठंड थी राजस्थान में एंड जब हम लोग आई थिंक मार्च अप्रैल तक पहुँचे हम लोग रामद्रा में शूट कर रहे थे एंड वो प्लेटू है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स ओनली स्टोन एंड वो स्टोन जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो यू कॉन्ट पुट योर फुट ऑन इट बिकॉज इट जस्ट बर्न्स. एंड जो यू नो लॉन्ग शॉट्स थे उसके लिए तो यू नो क्लोजअप्स के लिए यू कैन चीट इट, बट इन द लॉन्ग शॉट्स यू कॉन्ट. तो यू नो वो चीज़ें जस्ट टू नॉट लेट द वेदर कंडीशंस, टू नॉट लेट यू नो जो चीज़ें आपको अनकम्फर्टेबल बनाती हैं, टू नॉट लेट दैट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, दैट वॉज डिफिकल्ट. एंड ऑफकोर्स हॉर्स राइडिंग वो तो मेरे लिए मुश्किल थी, क्योंकि आई मीन आई नो हॉर्स राइडिंग, बट जो मेरा घोड़ा था वो ही वॉज द यंगेस्ट एंड ही वॉज द ओनली थरोबरेड, ही जस्ट वॉन्टेड टू प्ले ऑल द टाइम. And whenever, you know, some other horse would go, he would just want to run after that horse. And, yeah, it became very difficult to, like, make him work. Saif ke saath kaam karne ka experience kaisa raha? What was your first day, you know, the pehla din tha, you and Saif together? I think... What scene aapne sabse pehle kiya ho? Hum log, shoot se pehle, actually, hum log sab mil gaye the. Sab log sab ek dusre ko jaante the. I think Manav, when he joined us on set, लेटर, पर उससे पहले हम लोग वर्कशॉप्स की हमने एंड यू नो जो भी प्री कंसीव जैसे नोशंस थे कि यू नो दिल बी लाइक दिस, दिल बी लाइक दैट, आई एम द ओनली न्यू कमर, द सेकेंड वी स्टार्टेड दैट ऑल वेंट आउट ऑफ द विंडो बिकॉज इवन जो डायरेक्टर होते हैं ही सच एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक श्योर कि एवरीबडी यू नो गेट्स अलॉन्ग.
And he was so gracious, Saif, you know, in spite of being who he is, he wo bahut enthusiastic hai and he works very hard and he, you know, he's also doing so many different kinds of roles and so many movies actually that he wants to just do better and better. And you know, when you see that kind of dedication, you're like, wow, you know, and him being quite down to earth. He's very down to earth actually. But he's really funny and really fun. This is the most cliched thing ever. Everybody says, sab aake kehte hain ki ye picture bahut alag hai, bahut nahi hai, aapne pehle kabhi nahi dekha hai. But ye ek historical picture hai. Ye lagti bahut intense aur serious hai, par ye hai nahi utni bhi intense. Bahut hi achhi mix hai, suspense hai, thriller hai. But it's very engaging and जो भी आपको अभी trailer launch के बाद ये पूरी mystery दिखाई देती है, जैसे ही picture शुरू होती है, slowly slowly सब कुछ reveal हो जाता है as the film goes along. And I really think you'll have a very engaging and different experience. Thank you.